हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आपका प्रीमिक्स के आज के नए एपिसोड में। आज T-126 एपिसोड है, प्रीलिम्स को 126 दिन बाकी हैं। तो आज के प्रीमिक्स में देखते हैं करंट अफेयर्स से जुड़े हुए आज के पांच सवाल। तो पहला सवाल हमारा होगा पांडवानी के ऊपर, दूसरा सवाल होगा रन अवे इन्फ्लेशन के ऊपर, तीसरा सवाल होगा एक्सपोर्ट कमेटी ऑन इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के ऊपर, चौथा सवाल होगा फिस्कल डेफिसिट के ऊपर एंड आखिरी सवाल होगा आज का उड़ान 3.0 के ऊपर। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, इनमें से कौन सी दी गई स्टेटमेंट्स पांडवानी के बारे में सही या गलत हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट है, पांडवानी इज अ फोक सिंगिंग स्टाइल इन्वॉल्विंग नरेशन ऑफ टेल्स फ्रॉम द एंशिएंट इंडियन एपिक महाभारत। दूसरी स्टेटमेंट है, द सिंगिंग डज नॉट इन्वॉल्व म्यूजिकल अकंपनीमेंट। तीसरी स्टेटमेंट है, भीम द सेकंड ऑफ द पांडवाज इज द हीरो ऑफ द स्टोरी इन दिस स्टाइल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट या इनकरेक्ट है। आप पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हैं। इसका आंसर अब हम डिस्कस करेंगे, आंसर है 1 और 3। तो स्टेटमेंट नंबर 2 इनकरेक्ट है। यहां पे हम कहते हैं सिंगिंग डज नॉट इन्वॉल्व म्यूजिकल कंपोनेंट, नहीं, सिंगिंग इन्वॉल्व म्यूजिकल कंपोनेंट अकंपनीमेंट, राइट। तो यहां पे म्यूजिक होता है इस टाइप के आर्ट फॉर्म में। इसके बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं, डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहली बात तो सिंगिंग इन्वॉल्व म्यूजिकल कंपोनेंट। दूसरी चीज, ये जो पांडवानी नाम की जो आर्ट फॉर्म है, जो फोक थिएटर है, ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में काफी पॉपुलर है। तीसरी बात इसके बारे में, ट्रेडिशनली इसको सिर्फ मेन परफॉर्म करते थे, सिर्फ मेल्स परफॉर्म करते थे, बट 1980s ऑनवर्ड्स वुमेन भी पांडवानी प्रेजेंट करती हैं, राइट। तीजन बाई एक हैं जो रिनाउंड सिंगर हैं पांडवानी स्टाइल की, जिनको रिसेंटली गवर्नमेंट ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। ये हैं तीजन बाई, इनको बाय बोल देते हैं। पांडवानी का लिटरल मतलब है स्टोरीज और सॉन्ग्स ऑफ द पांडवाज, जो महाभारत के पांच पांडवाज थे। और इसमें जो लीड सिंगर होता है वो गाता भी है और दर्शाता भी है, इनएक्ट्स एंड सिंग्स एन एपिसोड, जिसको प्रसंग कहते हैं। महाभारत का कोई ना कोई एपिसोड वो गाते और एक्ट करके दिखाते हैं। और अकंपनीमेंट्स होते हैं इकतारा या तंबूरा, जो कि एक स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और स्मॉल बेल्स और पीकॉक फेदर्स अपने हाथ में लगाते हैं, एक हाथ में डेकोरेट करने के लिए और दूसरे हाथ में करताल होता है सिंबल्स बजाने के लिए, राइट। दोबारा देख सकते हैं आप ये इस तरीके से, राइट। ये था आज का पहला सवाल पांडवानी के ऊपर। अब अगर ऐसा ही कोई सवाल आपको प्रीलिम्स में आ जाए तो स्टूडेंट्स को जनरली लगता है कि बहुत डिफिकल्ट सवाल है, यूपीएससी पता नहीं कहां कहां से पूछ के क्वेश्चन लेके आता है। बट जब आप देखते हैं, गूगल करते हैं, रिसर्च करते हैं घर आके, तो आपको अपने ही हिंदू और एक्सप्रेस के दिए हुए आर्टिकल्स निकल के आते हैं, तो आपको पता चलता है कि मे बी न्यूज़पेपर रीडिंग में आप उतना ध्यान नहीं दे रहे जितना आपको देना चाहिए। ये क्वेश्चन हमने इंडियन एक्सप्रेस से ही निकाला है। इंडियन एक्सप्रेस में आया तीजन बाई के बारे में और बताया गया कि इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है पांडवानी की वजह से। तो अब आपका फर्ज है और हमारा फर्ज है थोड़ा सा देखना कि पांडवानी क्या है, और आपको बताना, आपकी जानकारी बढ़ाना पांडवानी के ऊपर। तो देखते हैं आज का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है रनअवे इन्फ्लेशन के ऊपर। स्टेटमेंट आपके सामने है, हाइपर इन्फ्लेशन या रनअवे इन्फ्लेशन, इट इज एन एक्सट्रीम केस ऑफ मॉनेटरी डिवैल्यूएशन दैट इज सो रैपिड एंड आउट ऑफ कंट्रोल दैट नॉर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एंड प्राइसेस आर मीनिंगलेस। दूसरी स्टेटमेंट है, इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज इन्फ्लेशन एक्सीडिंग 50% पर मंथ। तीसरी स्टेटमेंट है, जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, जिम्बाब्वे फ्रॉम 2007 टू 2009 एंड वेनेजुएला फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स आर एग्जांपल्स ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही या गलत है। अब पॉज करके आंसर सोच सकते हैं, इसका आंसर अब हम डिस्कस करेंगे। आंसर है ऑल ऑफ द अबव।
राइट, इसके बारे में और थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। रन में इन्फ्लेशन ने वेनेजुएला को बहुत बहुत बुरे हालात में लाके छोड़ दिया है। इसको हम कह देते हैं कि इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज इन्फ्लेशन एक्सीडिंग 50% पर मंथ, पर इसकी कोई न्यूमेरिकल डेफिनेशन नहीं है। 50% से ज्यादा की इन्फ्लेशन मतलब 500 भी हो सकती है, 5000 भी हो सकती है, 50000 भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है, 50 लाख भी हो सकती है, राइट। वर्ल्ड वॉर वन के बाद जैसे आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में देखा है, जर्मनी के ऊपर ट्रीटी ऑफ वारसाई के तहत बहुत सारे वॉर रेपरेशंस लगाए गए थे और जर्मनी की हालत नहीं थी कि वो वॉर रेपरेशंस पे कर सके, और जिन जिन कंट्रीज को जर्मनी ने पे करना था उन्होंने जर्मनी के ऊपर इतनी हार्ड कंडीशंस लगाई हुई थी कि जर्मनी बिल्कुल नहीं पे कर पा रहा था। तो उन्होंने ये भी बोला कि आप अपनी करेंसी में नहीं पे कर सकते, आपको हार्ड करेंसी में पे करना है, डॉलर या पाउंड एक्सेट्रा। हार्ड करेंसी जिनके पास अवेलेबल थी वो जर्मनी को बहुत ही अनफेवरेबल रेट पे करेंसी दे रहे थे। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आया था कि जर्मनी में मंथली इन्फ्लेशन 30,000% पे चल रही थी। इसके अलावा हमने जिम्बाब्वे में भी रिसेंटली देखा, 2007 से 2009 के पीरियड में, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिम्बाब्वे में 79 बिलियन% पर मंथ इन्फ्लेशन थी। 1 बिलियन जिम्बाब्वियन करेंसी का नोट था मार्केट में, 1 बिलियन यूनिट्स ऑफ द करेंसी, इतनी ज्यादा डिवैल्यू हो गई थी करेंसी जिम्बाब्वे की। और 2016 से हम वेनेजुएला में देख रहे हैं, जुलाई 2018 में जब तक का हमारे पास आंकड़े मौजूद हैं, अब तो वेनेजुएला की सरकार ने इन्फ्लेशन नंबर्स देने ही बंद कर दिए, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिम्बाब्वे में वेनेजुएला में हाइपर इन्फ्लेशन 33,151% थी, 33,151% इन्फ्लेशन थी वेनेजुएला में जुलाई 2018 में, राइट। ये था आज का दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही या गलत है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है, कमेटी का नाम है एक्सपर्ट कमेटी ऑन इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। तो क्या ये कमेटी का जो चयन है चेयरमैन बिमल जलान के अंडर है। सेकंड स्टेटमेंट है, कमेटी डिटरमाइन करेगी कि सेंट्रल बैंक ने सरकार को कितना सरप्लस ट्रांसफर करना है और कितना रिजर्व अपने पास रखना है। तीसरी स्टेटमेंट है, सुब्रमण्यम कमेटी, थोरत कमेटी और मालेगाम कमेटी भी सेटअप करी गई थी इसी इशू को एड्रेस करने के लिए। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू या फॉल्स है। आप पॉज करके दोबारा पढ़ सकते हैं स्टेटमेंट, अपना आंसर सोच सकते हैं, आंसर डिस्कस करेंगे। आंसर है ऑल ऑफ द अबव, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। थोड़ा सा और जानते हैं, जैसा कि आप देख चुके हैं आरबीआई ने कमेटी सेटअप करी है बिमल जलन के चयन के अंडर, बिमल जलन की चेयरमैनशिप के अंडर। यह कमेटी डिटरमाइन करेगी कि सेंट्रल बैंक ने कितने रिजर्व्स रखने हैं, कितना रिजर्व उनके लिए अप्रोप्रिएट रिजर्व्स है। 90 दिन के अंदर अंदर इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है पहली मीटिंग के बाद से, और कमेटी डिटरमाइन करेगी द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिजर्व्स, राइट। आंकड़े पेश करते हैं कुछ, 30 जून 2018 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 9.43 लाख करोड़ के रिजर्व्स थे, जिसमें कंटिंजेंसी फंड जो आरबीआई मेंटेन करता है वो 2.32 लाख करोड़ था, और करेंसी और गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है 6.91 लाख करोड़, उसमें आरबीआई के पास उसके तहत रिजर्व्स थे, राइट। इससे पहले 3 कमेटीज बनाई जा चुकी हैं, सुब्रमण्यम कमेटी, थोरात कमेटी और मालेगांव कमेटी, जिन्होंने सेम इश्यू के ऊपर अपनी रिपोर्ट्स पेश करी हैं। जो कंटिंजेंसी फंड हमने यहां पे देखा 2.32 लाख करोड़ का, ये परसेंटेजेस में 6.41% है आरबीआई के टोटल एसेट्स का। सीजीआरए जो है वो आरबीआई के टोटल एसेट्स का 19% है एज ऑफ 30 जून 2018। अब सुब्रमण्यम कमेटी ने यह कहा था कि जो कंटिंजेंसी रिजर्व है जो यहां पे 6.41% है वो 12% तक होना चाहिए। थोरत कमेटी ने यह कहा कि ये जो कंटिंजेंसी रिजर्व है, रिजर्व एडिक्वेसी है, ये 18% पे होनी चाहिए, राइट।
तो ये दोनों की रिकमेंडेशंस थी, बट गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करी है, इसीलिए बिमल जलन कमेटी बनाई गई है जो इसी मुद्दे के ऊपर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। राइट, ये था तीसरा क्वेश्चन आज का। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट आपके सामने दो, गवर्नमेंट हैज बजटेड फॉर अ फिस्कल डेफिसिट ऑफ 3.3% ऑफ जीडीपी फॉर द ईयर 2018-2019। राइट, आपको बताना है सही है गलत। दूसरी स्टेटमेंट है, India's oil intensity, which is the use of fossil as a percentage of GDP, has been showing an increasing trend as noted by the Economic Advisory Council to the Prime Minister. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही या गलत है। आंसर डिस्कस करेंगे अब इसका। स्टेटमेंट वन सही है, स्टेटमेंट टू गलत है। 3.3% का फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट ने टारगेट किया था बजट में, बिल्कुल सही है। इंडिया की ऑयल इंटेंसिटी एक डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रही है एज नोटेड बाय द ईएसी टू द प्राइम मिनिस्टर। ये हमने क्यों इस पे सवाल बनाया, क्योंकि अखबार में एक आर्टिकल आया था कि मूडीज रेटिंग एजेंसी फॉरकास्ट कर रही है कि इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है वो शायद 3.4% ऑफ जीडीपी पे चला जाए, जबकि सरकार ने 3.3% के लिए बजट किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट फार्मर्स के लिए पैकेजेस लेके आ रही है और स्मॉल बिजनेसेस के लिए कुछ शॉप्स लेके आ रही है, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है। और इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर सरकार को कह रही है कि ये स्थिति ना आए तो अच्छा है, आप अपने फिस्कल डेफिसिट को 3.3% पे ही रोकिए। दूसरी चीज, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ने आरबीआई की एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट काफी अपलोड करी है, काफी सराहना करी है। उन्होंने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की, कच्चे तेल की जो प्राइस की वेरिएबिलिटी थी, उतार चढ़ाव था, वो काफी ज्यादा था, जिसके बावजूद आरबीआई ने एक बहुत ही काबिले तारीफ काम किया है। और उन्होंने ये भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आजकल जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, इंडिया की ऑयल इंटेंसिटी कम हो रही है, एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो कर रही है इंडिया की ऑयल इंटेंसिटी। राइट, तो उस आर्टिकल में से ये फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए हमने बनाया। पांचवा सवाल देखते हैं आज का। आपके सामने स्टेटमेंट्स हैं तीन। पहली स्टेटमेंट है, अ वॉटर एरोड्रोम इज एन एरिया ऑफ ओपन वॉटर used regularly by seaplanes or amphibious aircraft for landing and taking off. तो आपको बताना है सही है गलत। दूसरी स्टेटमेंट है, चिलिका लेक इन ओडिशा, सरदार सरोवर डैम और साबरमती रिवर फ्रंट इन गुजरात, इनको चूज किया गया है एज प्रपोज्ड साइट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एरोड्रोम्स। तीसरी स्टेटमेंट है कि उड़ान 3.0 के तहत अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स भी एड की गई हैं। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आंसर डिस्कस करते हैं अब इसका। आंसर है ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं इसके ऊपर। उड़ान 3.0 के तहत सी प्लेन्स 18 एयर रूट्स पे उड़ेंगे और 235 टोटल रूट अवार्ड किए गए हैं, सरकार ने अवार्ड किए हैं उड़ान 3.0 के तहत। 73 प्रपोजल अवार्ड किए गए 11 एयरलाइंस को, जो कि 39 एयरपोर्ट को जोड़ेंगे। इसमें 16 अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं, 17 अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं और 6 वाटर एरोड्रोम्स हैं। राइट, 73 प्रपोजल्स अवार्ड किए गए हैं, जो दे कंप्राइज टोटल 235 रूट्स, ठीक है, जिसमें से 46 रूट ऐसे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने रेकमेंड किए थे। देन पुराने जो उड़ान के दो फेजेस थे, उड़ान 1 और उड़ान 2.0, उनमें ऑलरेडी एयरलाइंस 120 रूट पे ऑपरेट कर रही हैं और उड़ान 3.0 के तहत गुवाहाटी से ढाका और गुवाहाटी से बैंकॉक की भी फ्लाइट्स उड़ेंगी, जो कि स्पाइस जेट फ्लाई करेगा अपनी फ्लाइट्स। ये उड़ान 3.0 के तहत इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी हमने ऐड कर दी हैं, ठीक है जी। ये थे आज के पांच सवाल, तो ये आज का प्रीमिक्स यहीं पे खत्म करते हैं। मुलाकात होगी आपसे नए प्रीमिक्स के एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।